देखो जी अज इन्ना मीह पिया साड़ी दुकाना घट्ट घट्ट दो दो फुट डूंगा पानी अंदर जा वड़िया साडा कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। असी मशीन बुला के पानी कढ़वाया और कमे नालियां का कोई फायदा नहीं है, नाले जिन्ने भी सारे चौक हो गए इन्हां दा क्या फायदा, कोई नहीं पाई जो नाले क्या फायदा। असीं तां बहुत दुखी हो गए हैं, जद भी माड़े पानी पै माड़े मीह पै गया अंदर पानी पानी बढ़ जाए साढ़े। हुण अज असीं मशीन बुला के पानी कढ़िया और सारा जिन्ना भी स्पेयर पार्ट का समान का सारा भज भर गया पानी में। सारे पास पास ब्लॉक हो गया सारा, जो पानी निकलता ही नहीं है। इतने पानी जिन्हें भी बड़े बड़े नाले है सारे चौक हुए हैं और नाल खालसा स्कूल है, इन्होंने कम से कम 3-3 फुट उच्चा भी चक लिया, फिर भी अंदर पानी बढ़ता है इन्होंने खालसा स्कूल। मेन अड्डा है इतने नाले, मेन अड्डा नाल खालसा स्कूल है, इधर डिस्पेंसरी है सरकारी नाल, सारे सड़क के उपर बुरा हाल हो गया, गड्डिया नहीं तो लंघ दी, गड्डिया के बिच अंदर पानी बढ़ गया, कारा के बिच भी बंद हो गए ना, फिर अंदर पानी फिर गया गड्डिया के। अच्छा हो ही नहीं गल करूंगे गल भी जो पानी है मसला हल करो, इतने पानी सारा एक किस्म का दरिया ही बन जाता, इन्ना हड़ आ उधर साढ़े पानी दूर घर बढ़ गया, पिछे गली बज सारे शहर के पानी पानी हो गया, आ महल्ले पानी बढ़ गया गली दे 3-3 फुट पानी गलियों चलता था पानी। हाँ जो बस चलती छल मारती फिर अंदर सारे ही बढ़ते जाके जी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी, पानी दरिया वाग खड़ जाता जी, लक लक पानी खड़ गया, समेर दिन गड्डियां औखे हो रहे जी, बच्चों औखा हो रहा जी, हूँ स्कूल का जोड़े जी ये स्कूल के मूहरे भी पानी बहुत ज़्यादा था जी, स्कूल के बच्चों भी औखी होंगी है जी, जो तो कराली पानी आ जी 1 लाख आ जाता जी मीह का बरसात का जी। ऐसी पिंड तो न्योलके पिंड है जी, हाँ जी कराली कराली फोटोग्राफी की दुकान है जी, बहुत औखा है जी लख लख पानी का जी। हाँ जी हाँ जी हूँ सरकार देखो जी, हूँ सरकार नवी बनी है जी, कुछ कर नहीं रही जी, इन्हों का बहुत बहुत हो है जी कार नहीं जी, इन्हों की आस है ही नहीं जी, करूँगे पाई नहीं करूँगे, जी सीवरेज पाँदे छोटी छोटी पाइपा पाँदे जी, हाँ तो बड़ी पाइप पावे जी फिर तो सब तो वधिया जी, नदियों विचों पानी जाए जी उहदा फायदा जी। काका जी काफ़ी लंबा समा तुम कराली हस्पताल अपग्रेड कराने के लिए लगे रहे हो, हस्पताल के लिए धरन से भी बैठे हो, हालात तो जी मैं तो यही गल कहूँगा भी बेड़ा गर्क हो, बलबीर सिद्धू का होर भी जो उरे हेल्थ मिनिस्टर रहने के बावजूद इतने सारा विकास कर सकता सीगा, उसी दे चोर टब्बर की मेहरबानी करके ये सारा कुछ होया है, तो अज देख सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स उरे क्रिएट हो रही है उन्हां सब वास्ते असीं कोई नवीं सरकार नूं दोष नहीं दिंदे हैगे, क्योंकि पिछली सरकार का जो स्थानक साडा कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर सीगा साडे जिले का सीगा इत्थे ही कारोबार करता सीगा, तो अज जो ये हालात होए हुए मैं कहना बददवावां पैणगियां सारे गरीबां दियां, क्योंकि गरीब बंदा ही उरे इलाज कराउण आउंदा, इत्थे तुसीं अंदर एंटर नहीं कर सकते, सारा सीवरेज का पानी है जी, ये असीं पहलां भी कह चुके हैं, महकमे नूं भी कह चुके हैं, थोड़े अखबारों राही थोड़िया खबरों राही मीडिया राही मैं बीबी बीबा गगन अनमोल मान नूं भी यह गल कह चुके हैं कि भी इत्थे बरसातों के बिच पानी अंदर तक एंटर कर जाता है, कृपा करके इहदा पहले ही कोई प्रबंध कर लिया जाए, तुसीं सवेरे देख लियो उरे बजुर्ग आउणे हैगे आ और नंगे पैर पानी के बिच्चों निकलने वास्ते मजबूर होंगे, जिद करके चमड़ी रोग या होर जो कोई जीव जंतु जोड़े है जहरीले जे किसी ने कट लिया तो उसका कौन जिम्मेवार है। जो पहली मीटिंग होंगी है हाउस की अनमोल गगन मान जो MLA बनते हैं जी है, जो जी मीटिंग होंगी है तो पहला एक गल होंगी है जेड़ा कुड़ियां दा स्कूल है गर्ल्स स्कूल है जी बाहर एक ठेका जी बंद कराया जाएगा की हो गया। देखो जी यह सारे ही जो चुनावी वादे होंगे इन्हों के ते ना वो होया हैगा ना सरकार ने जो हॉस्पिटल का कहा सीगा बीबा जी भी इत्थे आके गए हैं और हुण उधर कंध भी टुट चुकी है जी, तुसीं देख सकदे पानी का वजन नहीं संभाल सकी, इधर भी कंध टुट चुकी है जी, पानी वो पानी अंदर हो चुकिया हैगा, ये सरकार नूं असीं ये नहीं कहिंदे भी 3 महीने हो गए हैं पर इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर उरे हैगा इहनूं संभालण की जरूरत है जी, 3 महीने असीं संभाल तो सकते हैं, असीं ऐ नहीं कहिंदे भी जादू की छड़ी नाल सारा कुछ हो जाएगा, जिहड़ा पिया उहनूं तां संभाल लईए जी पहलां असीं। हुण हस्पताल दे दरवाजे कई हो गए जी, दरवाजे जी देखो ये तो चारे पासे तो दरवाजे खुल गए है जी, हूँ जिमें
गुरु घर के दरवाजे खुलते हैं इस तरह हस्पताल के चारे पास तो खुल चुके हैं जी। डिलीवरी केस है जो हो रहा उन्होंने कितना मुश्किल लग रहा है अंदर जाना क्योंकि जिस तरीके हालात बने हुए हैं तो ये हस्पताल डुबण के किनारे ही एक तरह भाजी लख लख पानी है जी। मैं कहना भी ज साढ़े डॉक्टर बड़े उरे बहुत वधिया है 3 बजे तक उरे शाम दोपहर तो 3 बजे तक इलाज है 3 बजे तो बाद उरे कोई इलाज नहीं है यह रैफर हॉस्पिटल है सिर्फ तो जेकर तुसी इहदी ओपीडी देखोगे तो सिविल हस्पताल तो भी उपरी ओपीडी हैगी है जी। है जी जे एकर इत्थी सारे इलाज दीआं सहूलतां होण 3 बजे तक तुसी देखो इत्थे मरीजा का मेला लग्या हुंदा मरीजा का उरे विश्वास बनया होया। मैं भगवंत मान साहब नूं भी यही बेनती करदा बीबा गगन अनमोल मान नूं भी यही बेनती करदा कि भी जे इहदी ओपीडी भी चैक करूंगा तुसी खरड़ हॉस्पिटल की ओपीडी तो वध ओपीडी हैगी।